तो स्वागत है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स में। अब हम स्टैचू, जंगल सफारी, पेट गार्डन घूमने के बाद अब मैं आपको घुमाने वाला हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स, स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता नगर में। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और शुरू करते हैं वैली ऑफ फ्लावर की इस वीडियो को। अभी अंदर जाके पता करते हैं इसका टिकट और क्या क्या प्रोसेस है एंट्री के लिए। तो ये आ गया वैली ऑफ फ्लावर की एंट्री। और यहाँ पे शायद फूड कोर्ट भी है और 20,000 मीटर एरिया में ये फैला हुआ है। कैसा है ये सफर? वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर्स। ऐसी कुछ यहाँ की एंट्री है। अभी और अंदर चल के देखते हैं क्या क्या यहाँ पे फ्लावर है या नहीं है। ट्रेल टू भारत। रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। तो ये जाके आईएएस की एंट्री है वैली ऑफ फ्लावर की। तो यहाँ लिखा है तोड़वा नहीं। तोड़वा नहीं का मतलब यहाँ पे कोई फूल तोड़ना मना है। और ऐसा कुछ मेरे पीछे वैली ऑफ फ्लावर है, अलग अलग तरह के यहाँ पे फूल लगे हुए हैं। ये घास नहीं मतलब ये डिजाइनदार वो है, फूल ही है कुछ। और ऐसा इधर पूरा गार्डन अलग अलग फूलों से भरा हुआ है। सामने वो दिख रही है सरदार पटेल की स्टैचू, जो यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर होगी, लेकिन फिर भी देखो कितनी बड़ी दिख रही है मेरी उंगली से भी। और ये इतना सुंदर ये गार्डन है, मैं थोड़ा आपको सिनेमेटिक दिखाता हूँ बना के इसका। वो पीछे दिख रहा है सरदार सरोवर डैम और ये वैली ऑफ फ्लावर की एंट्री। और ये मेरे बिल्कुल अब सामने है सरदार पटेल की स्टैचू। और आगे चल के देखते अभी स्टैचू की तरफ और क्या क्या फ्लावर मिले। रंग है तोड़ रही बतंग है, बना है तो मेरे पीछे देख सकते हैं मेक इन इंडिया वाला शेर और उसके पीछे सरदार पटेल का स्टैचू। अब सामने इधर उधर दोनों तरफ फूल ही फूल हैं। ये कुछ नए डिजाइन नहीं मतलब सुंदर सुंदर फूल हैं। ऐसा इधर से पूरा व्यू है फ्लावर वैली का। अब यहाँ से थोड़ा आगे जाके कुछ अलग तरह के फ्लावर मिलेंगे, तो थोड़ा और आगे चल के देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। थोड़ी सी स्टेयर बनी हुई है, इधर भी बहुत सारे फूल है लेकिन वहाँ पे एंट्री बंद है। अब हमें सिर्फ यहाँ से एंट्री मिल सकती है, तो यहाँ से चल के देखते हैं क्या मिलता है। मिलता क्या है यहाँ भी, इधर भी देखो गुलाब के पता नहीं किस किस चीज़ के अलग अलग फूल बने हुए हैं। बीच में लेपर्ड भी खड़ा है लेकिन ये नकली है, असली वाला तो सो रहा था जब हम गए जंगल सफारी करने, तो असली वाला लेपर्ड सो रहा था, नकली वाले दिख गया। और ये बटरफ्लाई गार्डन है, यहाँ पे देखो बटरफ्लाई बनी हुई है, अगर आपको दिख सकती है तो। इसको शायद ही बटरफ्लाई गार्डन बोलते होंगे, तो पूरा बटरफ्लाई मैं आपको सिनेमेटिक दिखाता हूँ जरा इसका। सफर। तो ये पूरी वैली के अंदर ट्रेल है और यहाँ लिख रहे हैं झूल तो मतलब फूल तोड़ना नहीं, गुजराती में लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे फूल हैं, किसी को भी तोड़ना नहीं है। और ये पूरी ट्रेल ऐसे वैली ऑफ फ्लावर में ऐसे घूम घूम के चारों तरफ बनी हुई है। और सामने पटेल जी की स्टैचू भी है लेकिन वो अभी पेड़ के पीछे छुप गई है। अभी और आगे चल के देखते हैं कैसे कैसे फूल मिल रहे हैं, मैं सब दिखाता चलूँगा आपको इधर से सब देखते चलिए। ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, और इसमें जो पानी डालने के लिए पाइप डाल रखे हैं जगह जगह बीच में तो डायरेक्ट पानी डल जाता है उसी में, ऐसा कुछ है। यह है सेल्फी पॉइंट, अब देखते हैं कहाँ बनेगा सेल्फी पॉइंट यहाँ जाके। इधर लिखा हुआ है सेल्फी पॉइंट इस ट्रेल पे जाके, तो अभी देखते हैं सेल्फी पॉइंट पे जाके क्या सेल्फी ली जाती है या नहीं। दिस इज द वेरी गुड टास्क। सेल्फी पॉइंट के पीछे तो पूरी नर्मदा नदी और उसके पीछे है सरदार पटेल का स्टैचू। सेल्फी पॉइंट के नाम पे सिर्फ एक ये खड़ा होने का बना रखा है, इसके पीछे पेड़ है
तो यहाँ कोई सेल्फी लेने का फ़ायदा नहीं है, इस पर गिरने का चांस ज़्यादा लग रहा है मुझे क्योंकि ये वैसे ही रखा है। तो भाई यहाँ से ट्रेल करते हुए अब चलेंगे हम दूसरी तरफ, देखते हैं कौन कौन से कैक्ट मिलेंगे हमें फ्लावर। यहाँ पे तो है ये, पता नहीं क्या है, अब देख लो। एक ये है, इसका नाम भी मुझे नहीं पता। तो सेल्फी पॉइंट से वापस आके जिस ट्रेल से मैं आया था उसी से जा रहा हूँ, अगर रास्ता बंद हो गया था। अब आगे जाके देखता हूँ कुछ मिलेगा तो क्या मिलता है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है IMA करके, कुछ वो डिज़ाइन से बना हुआ है, उसको जाके देखते हैं इधर से क्या बना हुआ है। जैसे आई लव दिल्ली, आई लव गुड़गांव ऐसा लिखा रहता है, तो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, वो दिखा दूँ मैं आपको क्या है। IM तो ये है मेरे सामने, ये लिखा हुआ है IM वैली ऑफ फ्लावर, IM इन ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे मेरे पीछे लिखा हुआ था IM इन वैली ऑफ फ्लावर्स, पीछे बहुत तेज सूरज आ रहा था। फोटो पता नहीं कैसी आई होगी, आपने देखी ली होगी, मैं इससे पहले लगा दी थी पीछे, क्योंकि बहुत तेज सूरज आ रहा है। इस टाइम सनसेट तो हुआ नहीं है, लेकिन सूरज पूरा बिल्कुल इसके पीछे ही है, तो इसलिए फ़ोटो अच्छी नहीं आई होगी। आगे यहाँ पे रेस्टिंग एरिया और खाने पाने के लिए और टॉयलेट के लिए स्पेस बना हुआ है, उसमें जाके देखते हैं क्या है। और फिर ये वैली ऑफ फ्लावर वाला गार्डन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कोई नई डेस्टिनेशन पर चलेंगे आसपास जो होगी। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ रेस्टिंग एरिया में क्या क्या सिस्टम है। तो ये है सब कुछ, तो अभी मैं रेस्टिंग एरिया में आके बैठ चुका हूँ वैली ऑफ फ्लावर के बीच में। यहाँ पे मेरे थोड़ी बैटरी चार्ज करूँगा अपने फ़ोन की और GoPro की, ऐसे कुछ यहाँ लोग बैठे हुए छाँव में। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इससे अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुछ कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन जो दूसरी साइड है 5 नंबर से, मुझे उसके लिए बस मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। की ना है कोई खबर सफर।